नमस्ते दोस्तों, न्यू वीडियो ऑफ मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस। तो मैं हम लेके आए हैं आपके लिए लेवल अप वीडियो। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं लेवल अप। पहले प्रोटोन को मैंने रैंक 1 मैक्स करना है। पहले ना मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था कि मैं प्रोटोन या हल्क में से किसको रैंक 2 डालूं। मैंने कैटलिस्ट जमा कर लिया था 7 स्टार रैंक 2 के लिए। तो बहुत कंफ्यूजन थी कि मैं प्रोटोन को डालूं कि प्रोटोन भी मुझे मिल गया, हल्क भी है मेरे पास। तो फिर भाई थक हार के मैंने इतना दो सोचा, इन दोनों के गेम प्ले करे, इन दोनों से खेलना सीखा, तो पता लगा हल्क ज़्यादा इफेक्टिव है और बैटल ग्राउंड में भी बहुत तगड़ा अटैकर काम आता है। तो मैंने हल्क को ही रैंक 2 डाला। फिर इसको बस आप रैंक 1 मैक्स करेंगे और हल्क को रैंक 2 डालेंगे और करते हैं ISO सिलेक्ट। बेसिक करते हैं क्योंकि क्लास के थोड़े वो जाते हैं, ज़्यादा चल जाते हैं। पर ये देखो हमने इसको रैंक 1 मैक्स कर दिया प्रोटोन को। रैंक 2 मैं सोच रहा था इसको डालने के लिए, लेकिन फिर मैंने हल्को ही रैंक 2 डाला और गोल्ड में थोड़ा बहुत जमा करके आया हूँ। 3 लाख गोल्ड कुछ जमा करके आया हूँ मैं। चलो रैंक अप करते हैं अब। और किसको डाले, 30 लाख था गोल्ड की, 3 लाख सारा एकदम समझ ही नहीं आता कितना गोल्ड डाल रहा है कितना गोल्ड नहीं है। चल 30 लाख है मेरे ख्याल से गोल्ड। और प्रोटोन हल्क और सीज मेरे पास मिस्टर नेगेटिव भी पड़ा है। ये मेरे 7 स्टार रैंक 2 का, ये मेरा 7 स्टार रैंक 3 का मेरे पास एक ही है, वो भी स्पाइडर है। और इसको भी भाई अच्छा है ये बहुत, मैं कोई पछता नहीं रहा इसको रैंक 3 करके, बहुत अच्छा स्पाइडर है। और मेरे पास ना भाई अब म्यूटेंट में भी बिशप को मैं, हाँ भाई एक बात और पूछनी है कि ना म्यूटेंट में बिशप को मैं रैंक 2 करूँ 7 स्टार या फिर मैं करूँ किसी 6 स्टार चैंपियन को रैंक 5। मेरे को बस 2-4 ये 3 जमा करने हैं टायर 5 के, मैं कर लूँगा जमा। ये मेरे पास हो ही गए हैं जमा, क्या कर लूँगा। और भाई बस ये बता दो मुझे कि मैं बिशप को रैंक 2 करूँ या फिर 7 स्टार वाले को, या फिर मैं 6 स्टार के किसी चैंपियन को रैंक 5 करूँ म्यूटेंट में। जैसे मैं अभी ऑनस्लॉथ को रैंक 5 कर सकता हूँ, किटी प्राइड को रैंक 5 कर सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताओ। आर्कएंजल को भी मैं रैंक 5 कर सकता हूँ और भी कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं, मेरे को याद नहीं। इनमें से बताओ मैं किसको रैंक 5 करूँ या फिर बिशप को रैंक 2 डालूँ 7 स्टार वाले को। और अभी भाई मैंने इतना सोचा तो फिर मैंने हल्क को ही रैंक 2 डाला था, इसमें डाल दिया। और भाई हल्क बहुत सही काम आया यार, बहुत ही ज़्यादा सही काम आया। लेकिन पहले हमारे इसमें स्किल और म्यूटेंट भर रखा है, इसको खाली करते हैं। स्किल, हाँ स्किल में भाई मेरे को ना 6 स्टार सांगची चाहिए था, लेकिन अब मुझे मिल चुकी है 6 स्टार लेडी डेस्ट्राइक, वो लेडी डेस्ट्राइक कर रहा हूँ, 6 स्टार में मुझे केट बिशप मिल चुकी है। और केट बिशप को मैंने रैंक 4 कर दिया है, रैंक 4 कर दिया मैंने केट बिशप को, वो आपको अगले लेवल अप में दिखाऊंगा। और इस लेवल अप में अभी देखते रहो। म्यूटेंट में हम डस्ट को डालते हैं, डस्ट को भी मैंने रैंक 3 कर दिया है। अब आपको रैंक 1 दिख रही है, लेकिन मैंने इसको भी रैंक 3 कर दिया है। और डस्ट भाई बहुत अच्छी डिफेंडर काम आ सकती है, इसलिए मैं इसको रैंक अप कर रहा हूँ। अब पहले तो मैंने प्लाउलर पे ध्यान दिया, लेकिन प्लाउलर मुझे इतना अच्छा अटैकर नहीं लगा, ना डिफेंस में इतना अच्छा लगा, इसलिए मैंने प्लाउलर को रैंक 3 पे ही रखा है। रैंक 4 मैं डस्ट को कर दूंगा क्योंकि डिफेंस में बहुत अच्छी काम आ जाएगी ये। और हल्क को अब रैंक अप करते हैं क्योंकि हमारे सारे रोस्टर ख़त्म हो चुका है। फटाफट ISO सिलेक्ट करते हैं साइंस के। ISO तो बहुत पड़े हैं अब गोल्ड की कमी, जब मेरे पास ना साथ ही हमेशा हुआ है कि जब भी मेरे पास गोल्ड की कमी होती है तो ISO पूरे होते हैं, जब ISO पूरे होते हैं तब गोल्ड की कमी हो जाती है। अरे मैं एक ही बात दो बार बोल गया ना। हाँ भाई, अगर जब मेरे पास ISO होते हैं ना तब गोल्ड नहीं होता, जब गोल्ड होता है तब ISO नहीं होते, ये हुई है मेरे साथ हर बार। जैसे अब मेरे पास गोल्ड की बहुत ज़्यादा ही कमी है, लेकिन ISO मेरे पास भरे पड़े हैं। देखो हमने कर भी दिया इसको जल्दी रैंक 2 मैक्स 7 स्टार को, बस एक और डालना है, बेसिक के डालेंगे। मैं ऐसा ख़राब नहीं करना चाहता यार, काम को मैं ख़राब नहीं करना चाहता, किसी और चैंपियन में यूज़ हो जाएंगे। चलो एक हमने 3000 का डाला और ये हमारा मैक्स हो गया हल्क 22000 का, 70000 की हेल्थ हो गई है। बस अपने एक अब नेक्रो एक्सप्लोर वो करना है, कंप्लीशन करना है नेक्रो। मैं नेक्रो के लिए रिवाइव जमा कर रहा हूँ मेन अकाउंट में, और नेक्रो भी एक्सप्लोर करूँगा, एक्सप्लोर नहीं कंप्लीशन करूँगा। कंप्लीशन करने के बाद हमको एक रैंक 2-3 का जैम मिलेगा 7 स्टार का, फिर उसको भी डाल के देखेंगे किस चैंपियन को डालना है। और हमको स्पाइडर पंक मिला था ये टाइटन क्रिस्टल में से, जिन्होंने वीडियो देखी होगी पुरानी तो उनको पता होगा कि मेरे को 7 स्टार का स्पाइडर पंक मिला था टाइटन क्रिस्टल में से। तो ये बताना कमेंट में कैसा चैंपियन है। और लॉन्ग शॉट भी था मेरे पास, तो लॉन्ग शॉट को भी मैंने रैंक 4 डाल दिया था, तो इसको भी फटाफट मैक्स आउट करते हैं। 36 लेवल तक हमने इसको डाल दिया है, इसको भी फटाफट मैक्स आउट करते हैं। रैंक 4 तक मैंने लॉन्ग शॉट को डाल दिया था, 100 सिग्नेचर कर दिया था ये, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा अटैकर काम आ सकता है। ये सारे डीबफ्स को इंसर्नेट में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन कॉस्मिक चैंपियंस का के बहुत तगड़ा काम आता है ये। और मेरे पास टाइग्रा भी है, टाइग्रा को भी मैंने रैंक 3 कर दिया है, और उसको भी मैं सोच रहा हूँ टाइग्रा को भी रैंक 4 डाल दूँ, क्योंकि वो माइस्ट्रो के लिए बहुत तगड़ी काउंटर हो सकती है, और बहुत तगड़ी है वो भी।
अमेरिका भी मेरे को मिल चुकी है, वोंग भी मेरे को मिल चुका है भाई, मेरे को इबोनी मो भी मिल चुका है, तो इसको भी डालते हैं। इबोनी मो भी बहुत अच्छा काउंटर, क्या नाम है, डिफेंस में बहुत अच्छा काम आएगा। और लॉन्ग शॉट को मैक्स करते हैं, अब थोड़े सा ये और चाहिए और ये मैक्स हो जाएगा। बेसिक के सिलेक्ट करें हमने, डाल देते हैं, चलो बस। अरे यार मैंने बेसिक के गलत सिलेक्ट कर लिए, मेरे को इबोनी मो में डाल देना चाहिए पहले, या फिर टाइगर अभी अभी थोड़े कैटलिस्ट कम है तो फिर इबोनी मो में डालते हैं। अरे यार गोल्ड ही ख़त्म हो गया यार, थोड़ा और गोल्ड का जुगाड़ करके आना पड़ेगा। चलो इतने डलते हैं, 15 लेवल तक हमने इसको डाल दिया है इबोनी मो को, 16,000 हो गया। अब मेरे को बताना कि मैं को इबोनी मो को भी रैंक 2 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आपको अभी 7 स्टार दिखा दूंगा, मुझे बता देना कमेंट में किसको रैंक 2 करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। क्या पता मैं उस चैंपियन को कर दूं जिसको नहीं करना चाहिए। मेरे पास टैक में ये पड़े हैं, एक वॉर मशीन और गार्डियन, और बिशप को रैंक 2 डालना चाहिए यार, या फिर किसी 6 स्टार म्यूटेंट को डालो यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और ये क्या, हमारे पास स्पाइडर पंक भी है और इसको भी मेरे को यूज़ करना आता नहीं है, जिस दिन इसको यूज़ करना आ गया तो इसको भी रैंक अप कर देंगे। ऐसे स्पाइडर पंक अच्छा चैंपियन है कि ठीक ठीक ही, आप मुझे कमेंट में बताना इसका डैमेज कैसा है। और टेक में प्लाउलर को करें क्या रैंक 3, कर देते हैं यार मेरे ख्याल से, तो कर दिया। मैंने कैटलिस्ट इस्तेमाल करा, मैंने रैंक अप जैम इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि रैंक अप जैम किसी पे भी काम हो जाता है, लेकिन कैटलिस्ट कुछ चैंपियंस के लिए काम आते हैं, उसी चैंपियन के लिए काम आता है जिसके लिए आपने जमा करे हैं। लेकिन जैम हर चैंपियन को रैंक 3 पुश कर सकता है, और हमने प्लाउलर को रैंक 3 डाल दिया। और इसको दिखेगा, दिखेगा इसका भी गेम प्ले आपको, मैंने गेम प्ले बनाया है इसका 7.1.5 या 6 में। हाँ जब मैं 7 चैप्टर एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना, तो मैंने 7.1 चैप्टर पूरा एक्सप्लोर कर दिया अपने मेन अकाउंट में। अब 7.1.5 के जो 3 नए बॉस हैं ना, जैसे अजीब से बॉस ही हैं, उनकी मैंने वीडियो बनाई है, तो उनमें आपको गेम प्ले में दिखेगा ये प्लाउलर भी। ये भी भाई अच्छा डैमेज है इसका, अगर इस्तेमाल करना अच्छे से आए तो, लेकिन जिसको इस्तेमाल करना नहीं आता ना, वो इसके मतलब डैमेज दे नहीं पाएगा। इसकी रोटेशन होती है एक तगड़ी, अगर वो ढंग के मार दे ना तो भाई डैमेज ही बहुत खतरनाक देता है। रप्चर्स का इसका हर रप्चर का डैमेज 2-3 हज़ार तक मिलता है, मतलब 8,000 का तो एक रप्चर का डैमेज आता है। जब तक मैंने इसको इस्तेमाल किया मुझे पता लगा कि 8,000 का तो एक रप्चर का डैमेज जाता है। मेरे को म्यूटेंट में बताओ यार कि रैंक 5 करूँ या फिर बिशप को 7 स्टार का रैंक 2 करूँ, प्लीज़ कमेंट में बताना यार, बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है। और इसको भी हम डालते हैं रैंक 2 डस्ट को, बहुत अच्छी डिफेंडर है। अवेकन भी कर दिया था मैंने इसको, इसमें मैंने सिग्नेचर भी डाल दिया, मेरे ख्याल से 30-40 सिग्नेचर हैं इसके। मेरे ख्याल से सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती, बिना अवेकन का भी बहुत तगड़ी चैंपियन है ये। 26 लेवल तक पुश कर दिया हमने इसको, और जल्दी जल्दी पुश करते हैं यार ये। और हमने करा फटाफट सिलेक्ट, ये करा हमने इसको लेवल 34 तक पुश कर दिया, एक ही बार सीधा लेवल 34 तक जंप मारी हमने। इसको मैं रैंक 4 करूंगा यार, क्योंकि डिफेंस में बहुत अच्छी काम आएगी बैटल ग्राउंड में। और बैटल ग्राउंड अभी मैं खेल नहीं रहा यार, क्योंकि ना मैं कंप्लीशन में लगा पड़ रहा हूँ, इसलिए मैं बैटल ग्राउंड खेल नहीं रहा, ना मैं अभी स्प्रिंग ऑफ सोरो खेल रहा हूँ। वैसे अगर किसी को कंप्लीशन करवाना हो तो मैं उनका तो कर ही दूंगा, वैसे मैं अपने लिए नहीं खेल रहा हूँ अभी। अगर जब मैं एक्ट 7 एक्सप्लोर कर दूंगा ना, फिर उसके बाद एक्ट 6 एक्सप्लोर करूंगा, एक्सप्लोरेशन करने के बाद फिर नेक्रो करूंगा, जिससे मेरे को अच्छे खासे रिवाइवर यूनिट्स जमा हो जाए मेरे पास, फिर जाके मैं करूंगा भाई बैटल ग्राउंड और बाकी चीज़ों पर ध्यान दूंगा। और ये भाई मेरे असिस्टेंट चैम्पियंस हैं, देख सकते हो 6, 9 और 11, 12 टोटल 12 चैंपियन मेरे पास असर्सेंट है। 12वां मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केट को भी मैंने असर्सेंट कर दिया है, 12 है टोटल इस बार मेरे पास। और ये भाई मेरे रैंक 4 हैं, देख सकते हो, ये रैंक 3 है यार, 4 है मेरे 3, अच्छा मिक्स है क्या रैंक 3 और 4, सारे चैम्पियन नहीं मिक्स है, मैंने उनको हटा दिया शायद रैंक 5 वालों यार 5 वालों को। और चैम्पियन हिट मंकी को भी अभी रैंक अप करना भाई, हिट मंकी भी बहुत अच्छा अटैकर है। कोर्क को नहीं करूँगा क्योंकि कोर्क मेरे पास 7 स्टार है, थिंक में मेरे पास 7 स्टार मिल चुका है, तो थिंक को भी नहीं करूँगा मैं। और कोई चैंपियन देख नहीं रहा, स्टार्क स्पाइडी को तो नहीं करूँगा, मेरे पास 6 स्टार में है, लेकिन 5 स्टार मैंने इसको पूरा मैक्स कर रखा है, 5 स्टार वाले को यूज़ कर लूँगा। और मेरे पास स्पोर्ट भी है, अब स्पोर्ट 7 स्टार में भी है, और मैंने इसको 5 स्टार में भी पूरा मैक्स कर रखा है 200 सिग्नेचर्स के साथ 5 स्टार में स्पोर्ट को, तो 6 स्टार में भी स्पोर्ट को रैंक अप करने का कोई मतलब नहीं है। और मैं ना असरसेंट के लिए चैंपियन ढूंढ रहा था, मेरे को ना जब केट मिली थी ना, मतलब केट मिलने से पहले मैं असरसेंट के लिए किसी चैंपियन को ढूंढ रहा था जो कैपेबल हो असरसेंट के लिए। मैं
किंग पिन को सोच रहा था कि किंग पिन को कर दूंगा सरसन, क्योंकि ये बहुत अच्छा अटैकर काम आएगा और इसको भी रैंक 5 डालना है यार बहुत जल्द। और भाई लेकिन जब मुझे केट मिली ना, मैं इसको डाल देता लेकिन गोल्ड की कमी होगी थी मेरे पास इस टाइम, लेकिन जब मुझे मिली ना केट तो मैंने उसको डाल दिया यार। चलो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।